بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا कल की नशिस्त में हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो मक्कातुल मुकर्रमा में आपने गुजारा, मक्की ज़िंदगी के इख्तिताम तक हमने आप अहबाब के सामने रखा, जिसका खुलासा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आपके वालिदे गिरामी इस दुनिया से चले गए। आपकी 5 साला तरबियत और परवरिश माई हलीमा सादिया ने की। 5 साल की उम्र में आपके सीने को चाक किया गया, फिर वो आपको वापस घर छोड़ गईं। 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा मोहतरमा भी इस दुनिया से चली गई। 8 साल की उम्र हुई तो दादा का साया भी सर से उठ गया। 12 साल की उम्र हुई तो बुहैरा राहिब ने आपके अजीम तर नबी होने की गवाही दे दी। और फिर आप मक्का में रहे, 35 साल की उम्र हुई तो आपने खाना काबा को तामीर किया और हजरे अस्वद का फैसला किया। 38 साल की उम्र हुई तो आप गारे हिरा में जाने लगे, 2 साल तक गारे हिरा में जाते रहे। 40 साल की उम्र में नबूवत का आगाज हुआ, आपको वराका बिन नौफल के पास ले जाया गया और फिर आपने 3 साल तक लोगों को खुफिया तौर पर दावत दी। 44 साल के हुए तो एलानिया दावत का आगाज़ किया और मुशरिकों ने आपकी दावत में तकालीफ, परेशानियां, रिकावटें डालनी शुरू की। आपको तंग किया, सहाबा को तंग किया और सहाबा पर जुल्म ढाए। तो 45 साल की उम्र में सहाबा ने फिर हबशा की तरफ हिजरत की, 46 साल में दोबारा हिजरत की। जब सहाबा को वो तंग ना कर सके हिजरत करके चले गए तो फिर आपको 47 साल की उम्र में शेबे अबी तालिब के अंदर महसूर कर दिया गया। 3 साल तक आप वहाँ रहे। 50 साल की उम्र में जब आप वापस बाहर निकले, नबूवत के 10 साल गुजर चुके। एक वजह से आपके लिए आसानी हुई लेकिन आपकी 2 करीबी हस्तियाँ, आपके चचा और आपकी जोजाए मोहतरमा सईदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हुई। फिर आपने 51, 52 और 53 साल की उम्र में आपने मीना के मैदानों में जाकर मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी। जब 53 साल की आपकी उम्र मुबारक हुई तो उस वक़्त काफिरों ने आपकी दावत को रोकने का हर हरबा आजमा लिया लेकिन कामयाब ना रहे। आज उन्होंने एक मजलस की दारुन नदवा में, नदवा एक मजलस, मजलस घर जो था वहां उन्होंने मजलस की।
इसका तज़किरा कुरान मजीद में, वइद यमकुरु बिकल लदीना कफरू लियुस्बितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह। उन्होंने आपस में बैठकर कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया जाए। तो एक इबलीस जो इंसानी शक्ल में आया था, उसने कहा नहीं, अगर आप इसको कैद में डालोगे तो इसके साथी अपनी जान की कुर्बानी देकर इसको छुड़ा लेंगे। दूसरे ने कहा कि फिर इसको मुल्क बदर कर दिया जाए। इबलीस फिर बोला नहीं, अगर आप दूसरे मुल्क में भेजोगे तो वहां भी ये अपनी दावत का आगाज करेगा और उन लोगों को अपने साथ मिला लेगा। तीसरे ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए। कहता हाँ, ये असल बात है कि इस पैगंबर को नऊज बिल्ला शहीद कर दिया जाए। अब उन्होंने अपनी तलवारों को जहर के अंदर बुझा लिया और हुजूर अली सलाम के दरवाजे के बाहर पहरा लगाकर सुबह का इंतजार करने लगे कि तहज्जुद का वक़्त हो, हुजूर अपने घर से निकलें, बैतुल्ला की तरफ जाने लगें तो हम उनको शहीद कर देंगे। ये प्रोग्राम बन गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयम कुरूना वयम कुरुल्ला, वो अपनी चालें चल रहे थे, मेरा रब अपने निज़ाम और अपनी तदबीरों को चला रहा था। अल्लाह ताला ने हुजूर अली सलातु वसलाम को वही करके बता दिया कि आप आज रात अपनी जगह पर सैयदना अली रजी अल्लाह तआला को रोकें और आप रातों रात यहां से निकल जाएं। अपनी जगह पे सुलाना अली रजी अल्लाह तआला को क्यों है? उसकी एक रीजन थी कि आपके पास जो अमानते हैं उन्हीं की जो आपको शहीद करना चाहते हैं वो अमानत वापस करके जाइएगा। अब गौर करें हुजूर अली सलाम के यहां अमानत की अहमियत क्या थी। मेरे पास अगर किसी के पैसे हों और वो मेरे साथ जुल्म व ज्यादती करने लगे तो हम कहते हैं बस अब लेकर दिखा, लेकिन हुजूर अली सलाम ने ऐसा नहीं किया। क्यों? ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू, जो अमानतदार ही नहीं समझ लो वो मोमिन ही नहीं। और मुनाफिक की निशानी है वो अमानत में खयानत करता है। हुजूर अली सलाम ने अपनी जगह पर सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हों को लिटाया और आप बाहर निकले तो वो तलवारें लेकर खड़े थे। हुजूर अली सलाम को हुक्म हुआ कि मट्टी उठाएं और इनके सरों में डाल दें। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फिहिम सद्दा फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। खड़े थे, आंखें खुली थीं, बजाहर देख रहे थे, मेरा रब है, आंख में बिनाई डाले या आंख से बिनाई खेंचे, आंख खुली है देख नहीं सकते, ये सारी चीजों पे कादिर कौन सी जात है? एक अल्लाह। फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून, आंखें खुली हैं नजर नहीं आ रहा। हुजूर ने सबके सरों पे थोड़ी थोड़ी मट्टी डाली, जिसको पंजाबी में कहते हैं सरों में खे डाली, और आप चल पड़े उनके दरमियान से। आप दूर चले गए, अबू बकर रजी अल्लाह उनको लिया और आगे चले गए। एक आने वाला आया, इनको देखा, अरे खैरियत, तलवारें दरवाजे पर रात के इस पैर, हाँ हमने सोच लिया है आज वो बचने नहीं पाएगा, हमने बस सोच लिया। अरे कौन? वो जिसका घर है। कौन? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको शहीद करना है? हाँ, तो वो तो तुम्हारे पास से अभी चले गए। अरे कहाँ चले गए, हम तो जाग रहे हैं, सोए तो नहीं है। अरे तुम बेदार हो गए लेकिन वो तो चले गए। अरे कहाँ चले गए, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। उसने कहा जरा अपने सरों पे हाथ लगाओ, तुम्हें पता चलेगा कि वो चले गए कि नहीं। एक ने लगाया तो मट्टी दूसरे मट्टी थी, ये किसने डाली है? हाँ ये वही जो तुम्हारे पास से गुजर रहा था, तुम्हारे सरों पे डाल रहा था, तुम्हें पता नहीं चला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह के पास गए, उनको साथ लिया, जाना इधर था, लेकिन आप दानाओं के दाना, अकलमंदों के अकलमंद, फहमो फरासत के बेताज बादशाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाना इधर था लेकिन हिकमत अमली के तौर पर आप जानते थे अगर हम इधर गए उनको भी अंदाजा है कि मदीने की तरफ जाएंगे, उनके पास तेज रफ्तार सवारियां हैं, वो हमारे पीछे आके हमें पकड़ लेंगे। आप उल्टी सीमत चले
और गारे सोर में आप तीन दिन तक रहे, तीन दिन गारे सोर में रहे। गारे सोर सीधा पहाड़ है, अमूमन पहाड़ इस तरह तिरछे होते, लेकिन वो सीधा है, उस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने आपको आपके साथ मिलाकर चढ़ाया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। वो काफिर तलाश करते रहे करते रहे करते रहे, बिल आखिर वो उस गार के मुंह तक पहुंच गए। हुजूर अली सलाम अंदर, अबू बकर रज़ी अल्लाह अंदर, और वो काफिर उस गार के मुंह तक आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह बेद इंतहा परेशान हो गए। इद यकूल ली साहिबी ला तहज़न इन्नल्लाहा माना, उस वक्त को याद करो जब वो अपने सहाबी से कह रहे थे गम ना कर, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। अब गौर करें, दुश्मन दरवाजे पर है लेकिन ईमान, तवक्कुल, यकीन, एतिमाद की इंतहा कि हमारा अल्लाह हमारे, और जब अल्लाह साथ हो कोई कुछ बिगाड़ सकता, ये ईमान है। और यहां एक बड़ा नुक्ता है, सैयदना मूसा अलैहि सलातु वसलाम ने भी एक हिजरत की, अपनी कौम को रातों रात लेकर निकले, नबी अलैहि सलाम भी रात को निकले, उनके पीछे भी आए इनके पीछे भी आए। वो कौम जब पहुंची आगे दरिया, पीछे कौम आ गई फिरौन की, उन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, अब तो पकड़े गए। मूसा अलैहि सलाम ने जवाब में क्या कहा था, कल्ला, कभी नहीं, इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, मेरा रब है ना हमारे साथ, वो रास्ता बना देगा, सामने दरिया समंदर हो पीछे दुश्मन हो तीसरा रास्ता कोई ना हो, ईमान ये है कि मेरा रब रास्ता बना देगा। सैयदना यूसुफ अली सलाम को पकड़ लिया जुलेखा ने, लगा दिए ताले दरवाजों को, अब ताले लगे हैं। सैयदना यूसुफ अली सलाम दौड़े, जाहरी तौर पर ताला लगा है दरवाजा खुलता, ईमान ये है कि तेरा काम है मेहनत करना, रास्ते असबाब पैदा करना उस अल्लाह का काम है। और यहां एक और नुक्ता है, जब नबी मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि इन्ना माईया रब्बी सयाहदीन, मेरे साथ मेरा रब है रास्ता बनाएगा, किसके साथ कहा, मेरे साथ। और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन्नल्लाहा माअना, मेरे साथ नहीं कहा, हम दोनों के साथ हमारा अल्लाह है। अब गौर करें, उनके साथ भी कौम थी, इनके साथ भी एक शख्स था, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का होना कितनों के साथ बताया, मेरे साथ भी है अबू बकर, तेरे साथ भी अल्लाह है। आए वो चले गए, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा किया। बाद लोग कहते हैं वो कबूतरी आई अंडे दिए, वो मकड़ी आई जाला लगाया, ये बातें दुरुस्त नहीं है, बस अल्लाह ताला ने उनको अंधा किया। तीन दिन तक अब्दुल्ला बिन अबी बकर रात को आते और सारे मक्के की खबर देते, और अबू बकर रज़ी अल्लाह के गुलाम आमिर बिन फुहैरा सारा दिन बकरियां चराते और रात को आकर दूध पिला देते। तीन दिन इसी तरह गुजरे, मुशरिकीन ने मक्का तलाश करते करते थक गए। अब उन्होंने कहा कि 100 ऊंट उसको मिलेंगे जो हुजूर को पकड़ कर लाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम यकम रबीउल अव्वल को आप उस गार से निकले और मदीना की तरफ रवाना हुए, चार अफराद का काफिला, आगे आगे एक गाइड है अब्दुल्ला उसका नाम है, पीछे पीछे एक बंदा है आमिर बिन फुहैरा उसका नाम है जो हजरत अबू बकर के गुलाम है, और आपके साथ अबू बकर हैं रजी अल्लाह अन्हु, चार अफराद, एक आगे गाइड, एक पीछे हिफाजत, और साथ अबू बकर रजी। सुराका को पता चला कि हुजूर इधर गए हैं, एक लोंडी ने बताया था। सुराका अपने घर के पिछले दरवाजे से घोड़े पर बैठे और तेज दौड़ा दिया, हुजूर तक पहुंच गए। अब करीब जाने से डर भी रहा है, बाद में वो मुसलमान हो गए थे तो अपना ना तीर निकाला, वो फाल निकालते थे जिस तरह हमारे आज मुसलमान भी निकालते हैं ना, सामने से बिल्ली गुजर गई तो बस 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 आज तेरा काम खराब है। कोई बेचारा सौदा वापस करने आ गया, नहीं नहीं अभी नहीं, अगर तेरा सौदा वापस कर लिया
तो सारा दिन वापसियां ही आती रहेंगी। ये मुसलमान का अकीदा भी। उस वक्त भी वो फाल निकालते थे, उनका तरीका ये था, अपने तुर्कश से कई तीर डाले होते, एक पर नाम कर लो, एक पर ला नाना करो, आंखें बंद करके तीर निकालते, क्या लिखा है, ये फाल। दूसरा तीर ऊपर फेंकते, अगर दाएं गिरा काम हो जाएगा, बाएं गिरा काम नहीं होगा। उसने फाल निकाली, आगे आया ला, ना ना ना, आगे ना जाना। उसने कहा नहीं यार, 100 ऊंट हैं और वो सामने हैं। उसने कहा नहीं नहीं मेरा हाथ गलत लग गया होगा। उसने दोबारा फिर सारे तीर मिलाए और दोबारा निकाल, फिर कहता है ला, और नहीं नहीं हाथ, तीसरी मरतबा, आखिरी मरतबा, फिर निकला ला नहीं। लेकिन जब हवस हो पैसे की, फिर बड़ा बड़ा समझाना, आयतें सुनाना भी कार आमद होता। जब हवस हो पैसे की, लालच, कहता अच्छा ये बातें देखी जाएंगी। उसने घोड़ा आगे दौड़ाया तो वो अब उसके पांव धनस गए, जमीन पे गिरा। अब उसको समझ आ गई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब समझ आ गई। अब वो हुजूर से कहने लगा, हुजूर मुझे माफी दे दें। और सुराका रजी अल्लाह वान बाद में मुसलमान हो गए, अब तो जन्नतों में है। उस वक्त कहते हैं मैं हुजूर अली सलाम के इतना करीब पहुंच गया था कि मुझे हुजूर के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। हुजूर अली सलाम उस मुश्किल में भी क्या कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं देख रहे थे, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु गम की वजह से बार बार पीछे देख रहे थे। मैंने आवाज दी, हुजूर रुके, मैंने कहा पनाह दे दो, अमान दे दो, अमान लिख दी गई, मैं वापस आ गया। लेकिन यहां ये बात काबिले गौर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम गम की हालत में, सफर की हालत में क्या पढ़ रहे थे, कुरान। हमारे सफर में क्या चलता है, गप्पे, सीढ़ियां और गाने और फिल्में और ड्रामे और हंसाने वाले मजाया क्लिप, वो कहते हैं सफर सोखा नंग जाएगा। नहीं, दो बातें आपको बताना चाहता हूं। अगर यकीन जानिए आप मुसाफिर हैं, सूरत इखलास का अपने लिए एक विर्द बना लें, जिस इशारे पर खड़े हों 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें, पूरे कुरान के पढ़ने के बराबर सवाब हो जाएगा। और अगर ये ख़त्म होंगी उधर से इशारा खुल जाएगा, थोड़ा सा वक्त आप इस काम के लिए लगा दें। और अगर आप परेशान हैं तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और सबसे बड़ा जिक्र क्या है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कुरान जिक्र है। और इसमें सूरह फातिहा को पकड़ लें, सूरह फातिहा 2 अंदाज में पढ़ें। मुसाफिर की हर दुआ कबूल होती है जो इजायज़ हो। आप बीमार हैं, शिफा के तौर पर फातिहा शुरू कर दें। एक फातिहा शिफा है और एक मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। हिदायत के तौर पर फातिहा शुरू कर दें, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। बहरहाल हुजूर कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुराका वापस आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 8 तारीख, 7 सितंबर का महीना और 23 सितंबर को आप कुबा में पहुंच गए। आज भी रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका है और मैं अंदाजा लगा रहा था महीना भी सितंबर का है और 23 तारीख को 8 ही बनती है। हुजूर सितंबर की 23 तारीख, रबीउल अव्वल की 8 तारीख, हुजूर अलैहि सलाम कुबा में पहुंचे। इस साल भी 23 सितंबर को 8 रबीउल अव्वल ही बन रहे। मेरे आका कुबा में पहुंचे, कुबा में सिर्फ 4 दिन ठहरे, सिर्फ 4 दिन, और 4 दिनों में एक मस्जिद बना दी। अब गौर करें कितना लंबा सफर करके आए, थके होंगे, अब रहना कहाँ है, करना क्या है, हालात कैसे हैं, पीछे क्या बनेगा, आगे क्या करेंगे, कोई फिक्र नहीं। सिर्फ 4 दिन कुबा में रहे तो क्या किया, मस्जिद बना दी। और ऐसी मस्जिद, कहा है मुसलमानों मक्के से हिजरत करके आगे हो, जल्दी उमरा तुम नहीं करने जा सकते, जो घर से वुजू करके इस मस्जिद में 2 रकत नफल पड़ेगा
मेरा रब उसको उम्रे का सवाब अता कर देगा। बैत ये मदीनातुन नबी मस्जिद नबी से 3 किलोमीटर पीछे है। फिर आप 4 दिन यहां रहे तो 12 रबीउल अव्वल जुमे वाले दिन आप यहां से निकले 5वें दिन, तो आपने रास्ते में जुवासा इलाका आया, जुवासा बस्ती आई, जुमे का टाइम हुआ, आपने वहीं जुमा पढ़ लिया। हुजूर अली सलातु वसलाम ये नहीं देखते थे कि बंदे थोड़े हैं जुमा कैसे पढ़ाएंगे, थोड़े से अफराद आपके साथ, आपने जुमा पढ़ाया जुवासा बस्ती में, और जुमे के बाद फिर आप आगे बढ़े तो आप मदीना तय्यबा में पहुंचे हुए। आपकी ऊंटनी को हर कोई शख्स बिठाने का इरादा रखता था, हुजूर हमारे घर में मेहमान, हमारे घर में मेहमान। आपने फरमाया इसको छोड़ दो, ऊंटनी हुजूर की है, ये भी अल्लाह के हुक्म से चलती है, अपनी मर्जी से नहीं रुकती, छोड़ दो। ऊंटनी बैठी, उठी, आगे गई, फिर आकर बैठ गई। जिसके घर में बैठी, जिसके दरवाजे पे बैठी, वो मदीने का सबसे गरीब घराना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का था। गरीबों के भाग जाग उठे, लेकिन अब वो परेशान हुए कि हुजूर आ गए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन कहाँ हुजूर और कहाँ मैं, कहाँ वो शख्सियत और कहाँ मेरा ये टूटा फूटा सा घर, कैसे रहेंगे। हुजूर को निचले पोर्शन में और आप ऊपर वाले पोर्शन में चले गए, और ऊपर से घड़ा टूटा, पानी नीचे टप टप करके टपक रहा था, लेकिन हुजूर ने उनको कोई तानो तशनी नहीं की। हुजूर अली सलातो सलाम ने यहां भी सबसे पहला जो काम किया, कहा मस्जिद की तामीर की जाए। जगह तलाश की, जो सबसे ज्यादा पसंद आई वो यतीमों का एक बाग था और उसमें कुछ कब्रें भी थी। यतीमों ने कहा हुजूर आपको ये तोहफे में दी, फरमाया नहीं, मैं यतीमों का माल इस तरह नहीं लिया करता। हुजूर ने कीमत अदा की तो मस्जिद नबी तामीर हो गई। हुजूर अली सलाम ने मस्जिद नबी को तामीर किया तो फिर पैगंबर अली सलातु वसलाम ने उस मस्जिद को सिर्फ नमाजों की हद तक नहीं रखा। जो हमारी मसाजिद है वो सिर्फ मस्जिद 15 मिनट के बाद बंद कर दी जाएगी, लिखा होता है मस्जिद 15 मिनट के बाद बंद कर दी जाएगी, लेट आने वाले को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, पहले आने वाले को आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हुजूर की मस्जिद क्या थी? वो मस्जिद नहीं, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। पूरी दुनिया के मुसलमान जो आकर मुसलमान होते और यहाँ ठहरते, सारा दिन यहाँ रहते, असहाबे सुफा वहाँ के स्टूडेंट और वहाँ के प्रोफेसर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे। अगर कोई फैसला करना होता तो मस्जिद नबी अदालत बन जाती, आप दोनों के फरीकैन के मसले सुनते, फैसला कर देते। अगर आपने मशवरा करना होता तो मीटिंग हॉल बन जाता, और अगर आपने कोई जिहादी मशकें करवानी होती तो ये मुसलमानों का हेडक्वार्टर बन जाता। जिहाद के लिए लश्कर रवाना करने होते तो यहां से रवाना करते, और अगर सोशल वेलफेयर का काम करना होता तो सदका और खैरात यहां जमा होता। तो वो एक वक्त में मस्जिद भी थी, अदालत भी थी, मेहमान खाना भी था, हेडक्वार्टर भी था, हत्ता के कोई कैदी आता तो उसको मस्जिद नबी के सुतून के साथ बांध दिया जाता, जेल भी बन जाती, अदालत भी बन जाती। हर काम जो जायज था पैगंबर अली सलाम ने मस्जिद को एक अजीम नमूना बनाकर रखा था। आप इमाम भी थे, बादशाह भी थे, आप इमाम भी थे, हुक्मरान भी थे, आप इमाम भी थे, काजी भी थे, सब कुछ बनाया था। फिर उस मस्जिद के बनाने के बाद आपने मदीने में मुआखात कायम की, मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम की। उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसी साल काफरों के साथ, यहूदियों के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसको मिसाक मदीना कहते। हुआ असल ये था, यरूशलम, शाम, फलस्तीन, उर्दन, लबनान, ये सारा एक ही इलाका था पहले। तो वहाँ एक ईसाई बादशाह बुख्ते नसर ने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी, यहूदियों को बहुत मारा। यहूदियों के 12 कबीले थे। उन्होंने कहा अच्छा आज तो हमें शिकस्त हो गई ना, हम यहां से निकलते हैं, हमने अपनी तौरात में पढ़ा हुआ है एक नबी आखिरी आएगा खजूरों के इलाके में आएगा,
हम वहां चलते हैं, जब वो पैगंबर आएगा हम उसके साथ मिलेंगे, मिलकर ईसाइयों से हम बदला लेंगे। तो वो 12 कबीले यरूशलेम से चले, 9 कबीले खैबर में पहुंचे, यहां खजूरों के बड़े दरख्त थे, उन्होंने कहा आखिरी नबी यहीं आएगा। 3 जरा आगे आगे, उन्होंने कहा नहीं, आखिरी नबी यसरब में आएगा, उन्होंने पढ़ रखा था कि आखिरी नबी यहां आएगा। तो 3 कबीले मदीने में थे, बनू कैनुका, बनू नजीर और बनू कुरैजा, और 9 कबीले खैबर में आबाद हो गए। हुजूर अली सलातु वसलाम की यह हिकमत अमली थी कि अभी बड़ी जंग मुशरिकीन के साथ है, तो आपने करीब वाले यहूदियों के साथ मुआहदा कर लिया, हम एक इलाके में हैं, जो बाहर से अगर कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करेगा हम तुम्हारा तआवुन करेंगे, और अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तुम हमारा तआवुन करना। ये मिसाके मदीना बन गया। 1 साल में ये सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर के किए, और पैगंबर अलैहिस्सलाम की सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रुख्सती का मामला भी इसी साल ही पेश आया, और आपके घर में पैगंबर अलैहिस्सलाम की एक अजीम बीवी आपके घर में आई। ये 1 साल 1 हिजरी पैगंबर अलैहिस्सलाम की गुजर गए, यानी 54 साल आपकी उम्र मुबारक हो गई। आगे हिजरी 2 आई, 2 हिजरी में बहुत अजीम मामले हुए। अजान 2 हिजरी में शुरू हुई, पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बैतुल्ला की तरफ नमाज पढ़ते, मदीना में गए तो बैतुल मकदस की तरफ नमाज पढ़नी शुरू की, और 2 हिजरी में दोबारा बैतुल्ला की तरफ नमाज का हुक्म आ गया। रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज हुए, ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज हुई, ईद का मामला 2 हिजरी में आया, और 2 हिजरी में ही जिहाद की इजाज़त और फर्जियत हुई, और 2 हिजरी में ही गनीमत के अहकाम आए। ये सारे बड़े बड़े मामले सन 2 हिजरी में पैदा हुए। जब जिहाद का हुक्म हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी जंग ग़ज़वाए बदर भी इसी सन 2 हिजरी में शुरू हुआ। उसकी वजह यह बनी, अबू सुफियान रजी अल्लाह अन, अब वो जनतों में है, पहले वो काफिरों के सरदार थे, वो शाम से काफिला लेकर आ रहे थे, उसके पास सिर्फ 40 अफराद थे लेकिन 100 घोड़ा था, 1000 ऊंट था, और 50,000 दिनार के करीब उनके पास मालियत थी। तो मुसलमानों ने 2 एतबार से उन पर हमला करना चाहा। एक वजह यह थी कि जो मुसलमान मक्के से मदीने की तरफ आने लगे अपना मालो दौलत लेकर, तो काफिरों ने छीन लिया, आने ही ना दिया, माल छीन लिया, असबाब खत्म कर दिए, सवारियां छीन ली, औलादे छीन ली, दौलत छीन ली, तो अब उसका बदला तो लेना था, और दूसरा कि दुश्मन को जहां जिस्मानी नुकसान देते हैं वहां उसको माली नुकसान भी देते हैं ताकि उनकी कुव्वत कमजोर हो। तो आपने 313 के करीब सहाबा को लेकर उस काफिले को पकड़ने के लिए निकले, लेकिन अबू सुफियान रजी अल्लाह अन सरदार थे, समझदार थे, उसने उस वक़्त में एक आदमी आगे आगे ज़रा हालात की खबरगिरी के लिए रखा हुआ था। उसको पता चला, उसने अबू सुफियान को बताया, उसने तेज़ रफ्तार घोड़े लिए, मक्के तक बात पहुँचाई और रास्ता तब्दील कर लिया। मक्के में एक बात गई कि तुम्हारे काफिले पे हमला मुसलमान करने वाले, अबू जहल एंड कंपनी लिमिटेड, उसने 1300 बंदे इकट्ठे किए और मुसलमानों के खिलाफ निकल दौड़ा, 100 घोड़े ले लिए, 600 जीरा ले ली, बेशुमार ऊंट लिए, 1300 बंदों का काफिला मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए अबू जहल उधर से निकल पड़ा। इतने में अबू सुफियान काफिला बचा कर निकल गए। रास्ते में अबू जहल को पता चल गया कि अबू सुफियान निकल गए, तो आपस में इनका इख्तलाफ हुआ। बाज़ कहते हैं जिस काम के लिए आए थे यार वो तो हो गया, चलो वापस। अबू जहल को घुमंड था, असल घुमंड नहीं था, मौत थी, असल मौत थी जो खींच, वो घुमंड में आया, हम क्यों वापस जाएं, हम तो बदला लेकर जाएंगे। बाकियों ने कहा नहीं यार चले जाते हैं, 300 वापस चले गए और 1000 बदर की तरफ आ गया। बदर कुओं का नाम है। तो बदर के मैदान में जब वो पहुंच गए, हुजूर अली सलाम को पता चला कि अबू सुफियान तो बच गए हैं लेकिन वो लड़ाई के लिए बदर में आ गए हैं,
अब आपने सहाबा से पूछा क्या करें, अंसार की तादाद ज्यादा थी, सहाबा ने बिलआखिर मशवरा ये हुआ कि हम लड़ेंगे। आप अलैहिस्सलाम 313 बंदे, उनके पास 1000, यहां 313, उनके पास 100 घोड़े, इनके पास 2 घोड़े, सिर्फ 2 घोड़े, उनके पास 1000 ऊंट, इनके पास 70 ऊंट, और उनके पास 600 जिरे, इनके पास जिरे आए कोई नहीं। 313 वहां पहुंचे, हुजूर ने अल्लाह ताला से दुआ की, 4 इनाम आ गए। बारिश पड़ी, मुसलमान जिधर थे वो हाल जमीन जरा बेहतर हो गई, और जिधर काफिर थे वो जमीन फिसलन वाली हुई। थोड़ी सी ऊंग आ गई ताकि जरा फ्रेश हो जाए, और मुसलमानों की निगाहों में अल्लाह ने ऐसा अमल किया वो 1000 थोड़े लगने लगे, 1000 313 से भी थोड़े नजर आने लगे, और आसमान से वादा हुआ 1000 फरिश्ता, 3000 फरिश्ता, 5000 फरिश्ता आकर तुम्हारी मदद करेगा। ये 4 इनाम मिले। बारिश हुई तो हालात बेहतर हुए, ऊंग आई तो जिस्म बेहतर हुए, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा आपके सहाबा की कैफियत की कि वो काफिर थोड़े नजर आने लगे, और 3000-5000 फरिश्ते उतर आए। फिर वो पहले 3 आए, मुसलमानों के 3 गए, उनको पीछे किया गया कि ये अंसार हैं। फिर वो 3 आए तो मुसलमानों में 3 हजरत हमजा रजी अल्लाह अनु, अली रजी अल्लाह अनु, और अबू बैदा बिन जर्रा, उधर से वलीद उत्बा शैबा आए, लड़े, वो काफिर मारे गए, मुसलमान जीत गए। उधर बहरहाल 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी हो गए। अबू जहल मारा गया, उत्बा शैबा मारा गया, वलीद मारा गया, उमैया जो हजरत बिलाल रदीन के ऊपर बड़ा जुल्म करता था मारा गया, सारे मारे गए, 70 कैदी हो गए। जब ये वापस शिकस्त खा के लौटे तो अबू लहब को बड़ा गम लगा, उस गम की वजह से उसको कैंसर की गिल्टी निकल आई, जिसको अरबी में आदासा कहते हैं, उसी गिल्टी की वजह से मर गया। जब मर गया तो किसी ने उसको दफन ही नहीं किया, कई दिन तक उसकी लाश घर में रही। फिर लोगों ने बेटों पर तोयलानत की तो उन्होंने कुछ हबशी मंगवाए, जिन्होंने लंबे लंबे बांसों के साथ इस तरह धक्का लगाकर उसको एक गड्ढे में फेंका, ऊपर से पत्थर फेंक दिए, लेकिन बेटों ने भी उठाकर उसको गड्ढे में डालने की हिम्मत ना की थी। ये ऐसा बदबख्त था जो नबी का गुस्ताख हो, दुनिया में उसका ये अंजाम है और आखरत का अंजाम इससे कहीं बुरा होगा। अबू सुफियान चूंकि काफिला लेकर वापस गए थे, अब उनको पता चला कि मेरे पीछे आने वाले शिकस्त खा गए। उसने कसम उठा ली, जब तक मैं बदला नहीं लूंगा उस वक्त तक मैं नहाऊंगा ही नहीं। लो ये कसम देखो, जब तक मैं बदला नहीं लूंगा उस वक्त तक मैंने नहाना ही नहीं। 200 बंदे साथ लिए, बड़ी बहादुरी के साथ जल्दी जल्दी निकले, मदीने से 12 किलोमीटर पहले ही ब्रेकें लग गई। अब वो सोच आई, 1000 तो मुकाबला कर नहीं सके, इतनी फेंटी लगी तो 200 क्या करेंगे। अब अगर वो आगे जाता है तो फेंटी लगती है, वापस आते हैं तो नहाने के बगैर सारी जिंदगी गुजारेंगे। अब वो सोच में पड़ गए कि क्या करें। उनका अच्छा ऐसा है कि कोई हल निकालते हैं। करीब एक बाग था, वहां बेचारे 2 मजदूर काम कर रहे थे। नजला बर उजवे जईफ, पानी किधर आता है, नीवे था। वो बेचारे 2 काम कर रहे थे, इसके 200 सिपाही गए, उन दोनों को जल्दी जल्दी कत्ल किया और पीछे दौड़ लगा दी, हमने बदला ले लिया, हमने बदला ले लिया, चलो हुण मैं कार जाके नहा भी लांगा। दौड़ लगाते हुए इतना उनको हुआ कि वो सत्तू लेकर आए हुए थे तो सत्तू भी रास्ते में वहीं छोड़ गए, कहीं उठाते उठाते हमें देर ना हो जाए। ये पैगाम जब मदीने में पहुंचा कि अबू सुफियान आए थे और काफिला आया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उनके पीछे दौड़े, लेकिन हुजूर के पहुंचने से ये पहले ही यहां से भाग चुके थे, तो सत्तू छोड़कर भाग गए।
सत्तू को अरबी में सवीक कहते हैं, इस गजवे को फिर गजवाए सवीक कहते हैं। इस साल में दो जंगें हो गई। तीसरा एक और वाकया पेश आया बड़ा कि एक मुसलमान औरत एक यहूदियों के दुकान पर गई तो यहूदी ने उनको चेहरा दिखाने का कहा। उन्होंने कहा हम हया वाली औरतें हैं, हम चेहरा नहीं दिखाते। दूसरे यहूदी ने शरारत करके उनका दुपट्टा पीछे किसी कील के साथ अटका दिया। वो अपना सौदा लेकर जब वापस मुड़ी तो वो कील के साथ दुपट्टा अटकने की वजह से उनका पर्दा उतर गया। करीब से एक मुसलमान गुजर रहा था। उस वक़्त मुसलमानों में गैरत थी, हया था, शर्म थी। उसने कहा एक मुसलमान औरत के चेहरे के दुपट्टे को यहूदी की जुर्रत कैसे हुई उसने उतारा। उसने आगे बढ़ के उसको मारा, वो आगे से लड़ा, उस मुसलमान ने यहूदी को कत्ल कर दिया। सारे यहूदियों ने उस मुसलमान को कत्ल कर दिया। इस मुसलमान की शहादत किस वजह से हुई? गैरत की वजह से, और एक मुसलमान बहन के पर्दे की वजह से। आज वालिद अपनी बेटी को बगैर निकाब के बगैर पर्दे के ले जा रहा है, भाई अपनी बहन को इसी तरह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और लोगों के दरमियान छोड़कर घुमाकर ला रहा है और मुसलमान भी कहला रहे हैं। हमारी गैरत भी होनी चाहिए, ईमानी कैफियत भी होनी चाहिए, शर्मो हया का आला मेयार होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। पूछा गया कौन? फरमाया जिसकी बेटी, जिसकी बहन, जिसकी माँ, जिसकी बीवी लोगों के सामने बेहयाई के साथ फिरे और इसको कुछ फील ही ना हो, ये दयूस इंसान है। खुदारा हमें भी ऐसी ईमानी कैफियत का मुजाहरा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक मुसलमान शहीद हो गया, आपने सहाबा को लिया, पूरे कबीले बनू कैनुका का मुहासरा किया, 15 दिन तक मुहासरा रहा, फिर उन्होंने कहा हमें अल्लाह का वास्ता है यहां से निकलने दें। आपने कहा सारा असलहा पैसे छोड़ के निकल जाओ, दफा हो जाओ। यहूदी यहां से निकल गए और मुसलमानों के हाथ वो सारा असलहा आ गया। इसको गजवाए बनू कैनुका कहते हैं। यहूदियों के मदीने में कितने कबीले थे? 3। एक चला गया, ये 2 हिजरी भी खत्म हुई। इसके बाद सन 3 हिजरी है। 3 हिजरी के भी कई एक वाकयात हैं, बड़े इख्तिसार के साथ सुनाना चाहूँगा, 7 तक जाना इंशाअल्लाह मकसूद है। 3 हिजरी में वो जो मक्के में बदर की लड़ाई में शिकस्त हुई और उसके बाद भी बदला ना ले सके, तो अब अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब तो वो जन्नतों में है, उस वक़्त उन्होंने दोबारा बदला लेने का सोचा। वो समझ गए थे कि हम बदला नहीं ले सके। अब की बार उन्होंने 3,000 बंदे तैयार किए, 3,000 बंदे, और उन्होंने 200 घोड़े, 700 जिरहें और 3,000 बंदे लेकर उहद के मैदान की तरफ आ गए। अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बास रज़ियल्लाहु जो मक्के में थे ना, मुसलमान तो नहीं हुए थे, अबू तालिब की जगह पर हुजूर का साथ देते थे, उन्होंने ना एक बंदे को भेजा कि जाओ जाके हुजूर को बता दो अबू सुफियान बड़ी तादाद लेकर आ रहा है। आप मक्के मदीने में थे तो अबू सुफियान के काफिले के आने की खबर अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने एक बंदे के जरिए भेजी। 3 दिन में वो पहुंच गया कि 3,000 का लश्कर आ रहा है। हुजूर को ख्वाब आ गया, अल्लाह ताला ने भी बता दिया। ख्वाब बड़ा अजीब था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 3 चीज़ें देखी। आपका हाथ एक ज़िरा में है, आपकी तलवार टूट चुकी है और गायों को ज़बा कर दिया गया, गायें ज़बा कर दी गई। आप समझ गए गायें ज़बा, इसका मतलब इस जंग में सहाबा की कसरत शहीद हो जाएगी। तलवार टूट गई, हुजूर के ख़ानदान का कोई बड़ा शख्स इस दुनिया से चला गया। हाथ ज़िरा में है, महफूज रहेंगे हुजूर, बचत हो जाएगी लेकिन नुकसान होगा, और अगर अंदर रहकर लड़ें तो ज़्यादा बेहतर है।
हुजूर ने सहाबा से जल्दी जल्दी मशवरा किया कि वो तो अबू सुफियान आ रहे हैं, क्या करना है। सहाबा ने बाज़ ने कहा कि मदीने में रहकर लड़ते हैं, बाज़ ने कहा बाहर निकल के लड़ते हैं। ज़रा जोश जज्बे वाले थे, बदर में हमने जीत लिया, अब क्यों नहीं जीतेंगे। हुजूर ने उनकी बात मानी और ज़िरा पहन के बाहर निकलने लगे। फिर बाद सहाबा ने कहा जी नहीं, मदीने में रह लेते हैं। आपने फरमाया जब नबी ज़िरा पहन लेते हैं फिर रुकते नहीं हैं। चलो अब 1000 सहाबा को लेकर आप निकले, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने अपने मुनाफिकीन को और चंद नए नए सहाबा को अपने दामन में लिया और उनको वरगला कर 300 अफराद को पीछे ले आया। तो अब 1000 में से कितने रह गए? 700। और उधर कितने हैं? 3000। ये 700 अफराद आगे पहुंचे मैदान में। अब उहद का नक्शा ये है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, पीछे एक छोटा सा टीला है जिसको रुमात कहते हैं, वहाँ तीरंदाज आपने खड़े कर दिए रुमात, तो सामने दुश्मन है। आपने 50 अफराद पीछे खड़े किए ताकि दुश्मन पहाड़ के पीछे से आकर हमला ना करे और आप लड़ने लगे। लड़ाई के अंदर मुसलमानों ने बड़ी जुर्रत दिखाई, बड़ी पावर दिखाई, काफर भाग गए। जब भाग गए तो ये 50 भी नीचे आ गए। अब उधर एक कमांडर था जिसका नाम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, बाद में तो रजी अल्लाह अन्हु कहना, उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने देखा कि काम बन गया, पीछे से रास्ता साफ हुआ, वो अपने घोड़ों को लेकर पीछे से आए और वो भी आगे से आए, मुसलमान दरमियान में पीसे गए और बहुत नुकसान हुआ। इस जंग में अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए, जो हुजूर की तलवार टूटी। 70 सहाबा शहीद हुए जो गायें ज़बह हुई, और उन सहाबा में बड़े बड़े अजीम सहाबा थे। अमीर हमजा से बड़ा कौन था? आपने फरमाया सैयदुश्शुहदा हमजत इब्न अब्दुल मुत्तलिब, क़यामत तक के शहीदों का सरदार अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु। और एक शख्सियत के तलाश की गई कि वो हंजला कहाँ हैं, हंजला कहाँ है रजी अल्लाह अन्हु, मिली नहीं मैयत। अचानक देखा तो आसमान से नीचे आई और पानी उसके ऊपर लगा हुआ है। कहा ये वो शख्सियत है कि जिसको आसमान के फरिश्तों ने गुसल दिया है। और उमैर बिन हमाम इस तरह ना खजूरें खा रहे थे। आपने फरमाया कूमु इला जन्ना, चलो जन्नत की तरफ। तो हुजूर को देखते हैं, हुजूर जन्नत में खजूरें मिलेंगी? फरमाया और क्या। कहते हैं अगर मिलेंगी तो यहां वक्त लेट क्यों करना है। खजूरें जमीन पे, तलवार म्यान से निकाली, दुश्मन की सफों में गए और घुस के काफिरों को जहन्नम वासल करके जन्नत में पहुंच गए। आपने फरमाया मैं देख रहा हूं उमैर जन्नत की खजूरें खा रहा है। बड़े वाकयात उहद के अंदर पेश आए। बिल आखिर उन काफिरों ने हुजूर अली सलातु वसलाम पर हमला किया। हुजूर की हिफाजत के लिए 10 अफराद थे, 8 शहीद हो गए, 2 बचे। जल्दी से बाकी सहाबा भी आए, साथ भी नबी वकास रजी अल्लाह अन्हु, तलहा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह अन्हु आपको बचा रहे थे। तो साद के भाई जो काफिर थे उसने पत्थर मारा, हुजूर खाई में एक गड़े के अंदर गिरे। हुजूर अली सलातु वसलाम को दोबारा पत्थर मारा गया, आपके फूल जैसे चेहरे पे लगा, तो दान शहीद हुए। अब्दुल्ला बिन कमआ एक जालिम आगे बढ़ा, तलवार चलाई, कंधे पे गहरा जख्म आया। हुजूर अली सलाम के चेहरे पे जख्म आए, सर पे जख्म आए, कंधे पे जख्म आए। फिर हजरत सहाबा ने आपको उठाया, अबू बकर उमर रजी अल्लाह ने एक पहाड़ी पे चढ़ाया, फिर आपको बचाया। अबू सुफियान आए, उन्होंने आकर पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं? आपने कहा चुप कर जाओ। अबू बकर जिंदा है? आपने कहा चुप कर जाओ। उमर जिंदा है? आपने कहा चुप कर जाओ। वो भी समझते थे तरतीब यही है। जब उसने कहा हमने सबको खत्म कर दिया, आप उमर रजी अल्लाह अन्हु बर्दाश्त ना कर पाए, कहा अल्लाह के दुश्मन तीनों ही जिंदा हैं, तेरे मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। फिर उसने कहा ओलो हुबल, हुबल की जे। आपने फरमाया अल्लाह आला वाजल, मेरे अल्लाह की जीत है, मेरा अल्लाह सबसे आला है। इसके बाद फिर उसने कहा हम दोबारा आएंगे। उहद के मैदान में
फिर वो काफिर भाग गए, मुसलमान उनके पीछे गए, लेकिन काफिर भाग गए। मुसलमानों का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन बिल आखिर फतह मुसलमानों को हुई, काफिर वहां से भाग गए थे। उसके बाद जब अगला साल आया तो 4 सन हिजरी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक अजल और कारा दो कबीले थे। हुजूर अली सलाम ने वहाँ दावत व तबलीग के लिए 10 सहाबा को भेजा, 8 को वहीं शहीद कर दिया गया, 2 को मक्के में लाकर बेच दिया गया, 1 का नाम खुबैब था, उनको पकड़ कर कैद में डाल दिया गया। खुबैब एक पिंजरे में कैद हैं या एक कमरे में कैद हैं। उन्होंने उस्तरा मांगा अपनी जिस्म की सफाई के लिए, तो घर वालों का बच्चा भी उनके पास चला गया, उन्होंने अपनी रान पे बिठा लिया, एक हाथ में उस्तरा एक रान पे बच्चा। माँ देख के घबरा गई, कहा घबराओ मत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ये है, हम बच्चों से बदला नहीं लिया करते। उनको शहीद कर दिया गया और दूसरे साहबी को भी शहीद कर दिया गया। उसी सफ़र के महीने में नजद से कुछ लोग हुजूर के पास आए, आपने दावत दी, ना माने, कहने लगे हमारे इलाके में बंदे भेज दें, शायद नजद वाले मान जाएं। आपने 70 कारी 70 सहाबा को भेजा। रास्ते में मऊना नाम का एक कुआं है, उस कुएं के ऊपर 70 के 70 सहाबा पे हमला हुआ, सिर्फ 3 बचे, बाकी 67 को शहीद कर दिया गया, जो 2 बचे उनको भी शहीद कर दिया गया, सिर्फ 1 वापस आ रहे थे। रास्ते में सोए तो करीब आकर 2 बंदे लेट गए, ये एकदम से उठे, दोनों को कत्ल कर दिया, लेकिन पता नहीं था, समझे ये दुश्मन हैं, लेकिन हुजूर ने तो उनको पनाह दी हुई थी, अमान दी हुई थी। अब उनका दियत देने का मसला पैदा हो गया। हुजूर को उन 70 के करीब सहाबा की शहादत का इतना गम आया, आपने पूरा महीना फजर की नमाज में उन काफिरों के ख़िलाफ़ बददुआएं की। और आपने दियत के मसले में, एक कबीला था बनू नज़ीर का जो यहूदियों का था, 2 कबीले रह गए, कैनुका तो निकल गया, बनू नज़ीर और बनू कुरैज़ा रह गए थे। तो बनू नज़ीर के पास गए कि चलो तुम दियत दो, हम जो है उनको दियत देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आपको दियत देते हैं। एक कले की दीवार में बिठाया, एक काफर ने कहा दियत देनी है तो ऊपर से एक चक्की का पार्ट गिराएंगे, हुजूर को भी शहीद कर देते हैं, दियत डबल दे देंगे। आप वहाँ बैठे थे तो आसमान से वही आई, हुजूर को पता चल गया, आप जल्दी से बाहर आए, आपने सहाबा की एक फोर्स तैयार की, बनू नज़ीर का मुहासरा किया, 15 दिन तक मुहासरा जारी रहा, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, आपने कहा यहाँ से निकल जाओ, बनू नज़ीर को भी यहाँ से निकाल दिया। मदीने से 2 कबीले निकल गए, 1 रह गया। इसी साल फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम की 2 शादियाँ भी हुईं, सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के साथ, लेकिन वो 2 माह के बाद फौत हो गईं, और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ शादी हुई। फिर अगला साल आया, मदीने से 2 यहूदी कबीले निकल गए, लेकिन 1 अभी बाकी था। सन 5 हिजरी था, तो अब ये 2 कबीले जो यहाँ से निकले ना, ये मुशरिकीन मक्का के पास पहुँचे। इन्होंने कहा ओए मुशरिकीन, तुमने बदर लड़ी, उहद लड़ी, तुमसे लड़ाई नहीं गया, हम तुम्हारे साथ मिलकर ना बड़ी जंग करना चाहते हैं, इतनी बड़ी कि मुसलमान कभी बच ना पाए। 6,000 यहूदी उनके साथ मिल गए, 4,000 मुशरिक मिल गए, मुसलमानों पे चढ़ाई करने के लिए आ गए। सन 5 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला वो तैयारी हो रही है, आपने सहाबा से मशवरा किया अब क्या करें। पहले तो 1,000 आया था, मुकाबला हो गया, 3,000 आए थे, मुश्किल से मुकाबला तो हो ही गया, अब इतना बड़ा लश्कर आएगा तो क्या करेंगे। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हों ने कहा आप खंदक खोदें। हुजूर अली सलाम ने खंदक खोदी, 16.5 किलोमीटर लंबी, 16.5 किलोमीटर लंबी,
12 फुट चौड़ी 10 फुट गहरी, आज क्रेने लगाओ तो कितने महीने लगेंगे। पथरेला इलाका हो, एक कबर खोजनी पड़े तो सारा दिन लगा देते हो कच्ची मट्टी पर। पथरेला इलाका, कोई मशीनरी नहीं, कोई एक्सीवेटर और क्रेने नहीं, पथरेला इलाका 16.5 किलोमीटर का फासला, 12.5 फुट चौड़ी 10 फुट गहरी खंदक खोद ली गई। खोदते खोदते एक साहबी आए, हुजूर भूख की वजह से नढाल कमर सीधी नहीं होती, मेदे में गर्मी है, पत्थर में थोड़ी सी हरारत, कुछ ठंडा करने के लिए अल्लाह ताला ने इसमें कशिश रखी है, मैंने पेट पर पत्थर बांध के कमर को भी सीधा किया है, अपने मैदे को भी ज़रा ठंडा रखना चाहता हूँ। हुजूर ने पहले तो किसी को नहीं बताया था, जब उसकी ये कैफियत देखी आपने भी अपनी पेट से पर्दा उठाया, कहा तूने एक बांधा है, नबियों के नबी ने 2 पत्थर बांधे हैं, लेकिन मैं भी तेरे साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। जब हुजूर के पेट पर 2 पत्थर उसने तो देखे ही देखे थे, करीब खड़े जाबिर रजी अल्लाह ने देखे तो तड़प उठे, बताए बगैर सीधे घर में गए, खाने के लिए कुछ है, थोड़ा सा आटा, किलो के करीब आटा, एक छोटा सा बच्चा, 6 माह का बकरी का बच्चा, सिर्फ ये है और कुछ नहीं, जल्दी से इसको बना। दौड़ कर आए, हुजूर आपकी मेरे घर में दावत है, 2-4 बंदे और ले आइएगा। ऐ अहले खंदक, तुम सब की दावत जाबर ने की है, सब की दावत। दौड़े हुए घर गए, बीवी काम खराब हो गया, क्या हुआ? मैंने तो हुजूर के कान में कहा था, आपने सबको कह दी। तुमने कहा था सबको? नहीं, किसने कहा था? हुजूर ने। तो फिर टेंशन क्या है, हुजूर जाने उनका काम जाने, हमें क्या परेशानी, वो जाने उनका काम जाने, ठीक है। आपने फरमाया जाबिर जब तक मैं ना आऊं शुरू नहीं करना। 1400 के करीब सहाबा को कहा आ जाओ। आपने अपना लुआब हंडिया में डाला, कहा खाओ, आटे में डाला, कहा पकाओ। अल्लाह की कसम 1400 सहाबा ने खाया, ना हंडिया का गोश्त कम हुआ, ना आटे के अंदर कमी आई, सारे ही खा गए। फिर हुजूर गए तो एक पत्थर टूट नहीं रहा था, एक सहाबी ने आकर कहा हुजूर मेरी तो बस हो गई, आप आए। क्या कहा? हुजूर मेरी बस हो गई, आप आए। आपने ये नहीं कहा मैं नबियां, मैं पैगंबर हूं, मैं कम करा, हमें मस्जिद की थोड़ी सी सफाई करनी पड़े तो मैं चौधरियां, मैं कम करा, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिलकर जिहादी कामों में बड़ा हिस्सा ले। आपने पत्थर के ऊपर एक जरब लगाई, चंग्यारी निकली। आपने फरमाया लोगों रोम फतह हो जाएगा। दूसरी जरब लगाई, चंगारी निकली। फरमाया ईरान भी टूट गया, फतह हो जाएगा। तीसरी लगाई, फरमाया यमन फतह। मुनाफिक किस्म के लोग हंसने लगे, पत्थर टूटता नहीं पिया, रोम फतह, ईरान फतह, यमन फतह, उन्हें क्या पता था, चंद साल ही गुजरे थे, पैगंबर की बात सच्ची साबित हुई, रोम भी फतह हुआ, ईरान भी फतह हुआ, यमन भी फतह हुआ, पूरी दुनिया पे इस्लाम का फरेरा लहराया था, जो मोहम्मद ने फरमाया था, सच फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफर आए, आकर देखा भाई ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, हमें पहुंचने ही नहीं दिया गया, कोई पार ना कर सका। 1-2 आए तो अली रजी अल्लाह तआला ने उनको गर्दनें उड़ा दी, वो आ ही ना सके। लेकिन दूर से तीरों का तबादला इतना जोर से होता, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की कई दिन 2-3 दिन की नमाजें लेट हो गई, दूर से तीर इतने चल रहे थे, आ तो नहीं सकते थे लेकिन नमाजें लेट हो गई तीरंदाजी की वजह से। मेरे आका ने ताइफ के मैदान में भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन आज जब जोहर लेट हुई, असर भी लेट हुई, मगरब भी लेट हुई, ईशा का वक्त हो चुका, इतना सख्त काफरों का हमला, वबालगतिल कुलूबुल हनाजर, दिल जो है हंसनियों तक आ गए, कलेजे मुंह को आ गए,
सख्त तरीन जंग हुई, दूर से बड़े तीर बरसे, जोहर ना पढ़ सके, असर ना पढ़ सके, मगरब ना पढ़ सके, ईशा ना पढ़ सके, खेलते हुए नहीं दुश्मन का मुकाबला करते हुए। हमारी नमाज मैच देखते हुए, हमारी नमाज दुकान पे बैठे हुए, हमारी नमाज दोस्तों की महफल में गप्पे लगाते हुए, हमारी नमाज शॉपिंग करते हुए, क्या करते? मेरे आका की नमाज किस वजह से लेट हुई? जिहाद की वजह से। लेकिन इतने परेशान, माला अल्लाह बुयूतम वकबूरम नारा, अल्लाह इन काफिरों के घरों को, इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, इन जालिमों ने मेरी नमाजों को लेट करवा दिया। अब गौर कीजिएगा हमारी नमाजों की कैफियत क्या है, हमारी ईमानी कैफियत क्या। बहरहाल एक अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, एक शख्स काफरों का सरदार नुएम बिन मसूद उसका नाम, अल्लाह ने उसके दिल में ईमान की शम्मा को रोशन कर दिया, मुसलमान हो गया। उधर से आया था लड़ने के लिए, नुएम उसका नाम था, क्या हो गया? मुसलमान। रात के पहर में हुजूर अलैहिस्सलाम के पास किसी तरीके से पहुंच गया, कहा हुजूर कलमा पढ़ाएं। कलमा पढ़ा दिया। हुजूर मेरे जिम्मे कोई चीज लगाए। आपने कहा एक काम कर, ये जो इनका इत्तेहाद है ना मुशरिकों और यहूदियों का, इसको तोड़ दे, बस तेरा एक ही काम है। उसने कहा हुजूर बस हो गया। बड़ा समझदार आदमी था, अल्लाह सहाबी थे, अल्लाह उनके ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने क्या किया, अपना इस्लाम वाजे नहीं किया, बनू कुरैजा के पास गए, कुरैजा भी उनके साथ मिल गया था जो यहां यहूदियों का एक कबीला था। कहा मुझे पता है मुशरिकीन वापसी की तैयारियां कर रहे हैं, पीछे से तुम फंस जाओगे, उनको कहो कि अपने बाबे ताए चाचे हमारे पास कुछ रखवा दो, वरना ये मुशरक निकल गए तो पीछे से तुम फंस जाओगे। कहते यार गल ते तू साड़ना बड़ी पते दी कीती है। सुबह हुई तो मुशरिकों को कहा मुझे खबर मिली है कि कुरैजा वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी दोबारा सुलह हो गई है, और इन्होंने अब तुमसे तुम्हारे बंदे मांगने हैं, और वो पकड़ा कर किसको जाके दे देने हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देने हैं। यार गल ते तू बड़ी दसी है। सुबह हुई तो ऐसा ही हुआ, कुरैजा अपने चक्कर में कहीं वो भाग ना जाए, भाई नहीं हमारा तुम्हारे साथ इत्तेहाद है, अपने बंदे हमारे पास रखो। क्या वेख्या नुएम ने रात नू सानू सही दस्या सी कि इन्हां दा आपस च हुण उनकी फूट डल गई, लड़ने लगे। उसी रात ऐसा सख्त तूफान आया, आंधी आई कि उनके खैमे उखड़ गए, हंडियां उल्ट गईं, हर शह उल्ट पुल्ट हो गई। वो रातों रात सारे भाग गए, मुशरिकी ने मक्का भाग गए, मुसलमानों को सुख का सांस आया। हुजूर अली सलाम अपने घर में जाकर गुसल करने लगे, जिब्रील अली सलाम आ गए, हुजूर क्या आप जिरा उतारने लगे हैं? फरमाया हाँ, मुशरक तो चले गए। कहाया तुम उतार रहे हो, लेकिन देखो जिब्रील ने अभी तक अपनी जिरा को नहीं उतारा है, तो फिर क्या करना है? कहा अभी ठहरिए, कुरैजा का पहले खात्मा करना है, बाद में हमने आराम करना है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर कुरैजा के मुकाम पर पहुंचे, 25 दिन तक इनका मुहासरा किया। 25 दिन के बाद उन्होंने कहा हमारा फैसला साद बिन मुआज रजी अल्लाह अनहो करेंगे। साद बिन मुआज बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे, ये कुरैजा के आदमी थे लेकिन मुसलमान हो चुके थे, पहले यहूदी थे बाद में क्या हो गए मुसलमान। इनकी कूख में या बाजू में तीर लगा हुआ था जो उन्होंने फेंका था, खून निकल रहा था। इन्होंने अल्लाह से कहा या रब शहादत तो चाहिए लेकिन इतनी जल्दी नहीं, शहादत तो चाहिए लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूं मेरे कबीले ने जो गद्दारी की है ना इसका अंजाम देखना चाहता हूं, शहादत जरूर देना लेकिन अभी नहीं। मेरे रब ने उनका खून रोक दिया, अल्लाह ने उनके से यही कहलवा दिया कि हमारा फैसला कौन करेगा, साद बिन मुआज। वो ये सोच रहे थे कि हमारे कबीले का बंदा है कोई रायत करेगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उधर आसमान वाले से क्या ताल्लुक हुआ है। या रब उस वक्त तक शहादत की मौत ना आए जब तक इन गद्दारों का मैं अंजाम ना देख लूं।
हुजूर अली सलाम ने कहा साद को बुलाया जाए। साद रज़ी अल्लाह को एक सवारी पे लाया गया, खुद चल नहीं सकते थे। आपने उनका इस्तकबाल किया, कहा यहूदियों मानोगे? उनका मानेंगे। ऐ साद बता इनके साथ क्या करें। जंगी कैदी होता है उसकी कैफियत और होती है और आम कैदी की कैफियत और होती है। तो हुआ ये कि साद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अगर मेरा फैसला सुनना है, इन्होंने गद्दारी की है, गद्दार की सजा कत्ल है। जितने जवान हैं सबको कत्ल कर दो, जितने बूढ़े और बच्चे हैं उनको अपने गुलाम बना लो, औरतों को लोंडियां बना लो, सारे माल को पकड़ के मुसलमानों के दरमियान गनीमत के तौर पे तकसीम कर दो। यहूदियों के तीसरे कबीले के सारे जवानों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन दिया गया, अगर मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस अक्सरियत मुसलमान ना हुई, चंद लोग मुसलमान हुए। जवानों को कत्ल, बच्चों को पकड़ के, बड़ों को पकड़ के, बूढ़ों को कैदी बना लिया, औरतों को गुलाम बना लिया और मालो दौलत को तकसीम किया। इस सूरत में मदीने से तीनों कबीलों का खात्मा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ साद, जो तेरा फैसला दुनिया पे था वही फैसला आसमानों पे रब का था। थोड़ी देर के बाद खून जारी हुआ, खून की कमी हुई, साद रज़ी अल्लाह शहीद हुए। आपने जनाजा पढ़ाया, सहाबा ने उठाया तो वजन ही नज़र ना आया। फरमाया मेरे सहाबा पता है साद के जनाजे पे 70,000 फरिश्तों ने आकर शिरकत की है और इनकी वफात की वजह से अल्लाह का अरश भी हरकत में आ चुका था। छवीं हिजरी आई, ये आखिरी साल कर लेते हैं, सातवीं से कल शुरू करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया है। ख्वाब आया, आप अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उम्रा किया। बैतुल्लाह की तड़प तो पहले ही थी, निकलते वक्त भी रात को कह रहे थे मा आज़मा हुरमतु की, बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता था, तेरी कौम ने यहाँ रहने नहीं दिया। ख्वाब आया तो मोहब्बत बढ़ गई, और नबियों का ख्वाब अल्लाह की वही होता है। सुबह ऐलान किया हम उम्रा करने जा रहे हैं, 1400 के करीब सहाबा मिले, उम्रे के लिए गए। आगे से काफरों को पता चल गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, उन्होंने तैयारी कर ली, लड़ाई की। आप रास्ते से थोड़ा सा हट के हुदैबिया मुकाम पे ठहरे, फिर आपने मुज़ाकरात के लिए उस्मान रज़ी को भेजा, उन्होंने कैद करके अफवाह उड़ा दी कि वो शहीद कर दिए गए। आप एक दरख्त के नीचे आए, आपने ये नहीं देखा हमारे जिस्मों के ऊपर एहराम है, आपने ये नहीं देखा हमारे पास तीर और तलवारें नहीं हैं, आपने ये नहीं देखा कि हमारी तादाद सिर्फ 1400 है, नहीं देखा। आपने कहा उस्मान की शहादत का बदला लेकर जाएंगे। 1400 सहाबा ने आपके हाथ पे बैत की, आसमान से कुरान उतरा लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन इज युबायउनका तहत शजरा, नीचे पैगंबर का हाथ था, इन्नल्लज़ीन युबायउनक इन्नमा युबायउन अल्लाह, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम जाहिर में ये तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं, दर हकीकत ये अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं, नीचे आपका हाथ है, यदुल्लाही फौका अईदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह इन सब से राजी हुआ, सब पे जन्नत वाजिब हो गई। जब मुशरिकीन को पता चला कि मुसलमानों ने तो बैत कर ली है, डर के मारे हज़रत उस्मान रज़ी को छोड़ दिया, मुज़ाकरात के लिए दौड़े, एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, आखिर में सुहैल बिन अमर आए, बाद में वो मुसलमान हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुसालहत कर ली, उस मुसालहत को सुलह हुदैबिया कहते हैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी, उन्होंने कहा ऐसे ना लिखो, आपने कहा चलो ठीक है कैसे लिखें, बिस्मिकल्लाहुम्मा, आपने ऐसे लिख ली। आपने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उन्होंने कहा ऐसे ना लिखो, क्या लिखें, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो फिर हमारी आपकी जंग क्या। आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल तो हूँ, लेकिन तुम नहीं मानते तो क्या हुआ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी तो हूँ ना, दोनों ही हूँ। तो ए अली इसको मिटा यार, लिख दे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहा आका आपकी दोनों कैफियतें हैं, लेकिन अली का ईमान और अली की
मोहब्बत इजाजत नहीं देती कि लफ्ज़े रसूल पे मैं कलम भी फेरूं मिटाऊं। आपने फरमाया मुझे बता, हुजूर ने अपने हाथ से उसको मिटाया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा, आइंदा साल आएंगे 3 दिन के लिए आएंगे, तलवारें गुलाफ के अंदर होंगी, 3 दिन के बाद चले जाएंगे, 10 साल तक जंग बंद रहेगी, हमारा इधर से उधर गया तुम रोक लेना, तुम्हारा आया हम वापस कर देंगे। उमर रज़ी जोश में, आका ये क्यों फरमाया, चुप करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, जो करता हूँ सच करता हूँ सही करता हूँ। बहरहाल सुलह हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम अभी सुलह कर रहे थे तो एक सहाबी बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए थे, लेकिन बेड़ियां तड़वा के ना उसी तरह बेड़ियों के अंदर ही हुजूर के पास आ गए। हुजूर इन जालिमों ने बड़ा मेरे ऊपर जुल्म किया है, आप मुझे साथ ले जाएं। अब गौर करें, एक सहाबी हो, बेड़ियों में जकड़ा हो, रो रहा हो, वास्ता दे रहा हो, हुजूर साथ ले जाएं। आपने कहा सुहैल इसको मेरे साथ जाने दे, ये सुहैल का बेटा था। उसने कहा नहीं, तुम्हारा हमारा वादा हो गया है, जो हमारे तरफ से आएगा जाने नहीं दिया जाएगा। फरमाया चल यार अब जाने दे। कहता है नहीं। हुजूर ने कहा ऐ अबू जुंदल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कर लेते हैं उस पे पहरा देते हैं, फिरा वादे को पूरा करते हैं, मुआहदे को पूरा करते, तुम जाओ। औरतें आ गई, हुजूर ने कहा तुम हमारे पास। सुहैल कहते हैं इसको वापस करो। फरमाया मर्दों की बात हुई है, औरतों की बात नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलाम वापस आ गए और फिर अगले साल हुजूर उम्रे के लिए गए। ये 6 सन हिजरी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़े बड़े वाक़यात आप अहबाब के सामने रखे। वैसे तो हर वाक़या इतना है कि उसके अंदर कई घंटे दरकार हैं, लेकिन खुलासे के साथ ये 6 साल आपकी ज़िंदगी आपके सामने रखी। इंशाल्लाह कल से अगले 4 साल बयान किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको पैगंबर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।